हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपी एमग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फादर ऑफ वेरियस फील्ड इन प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके जनकों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहले हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में हम एंटोनी वान लीवेनहॉक को जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी या आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में हम लुईस पाश्चर को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक के रूप में हम रॉबर्ट कोच को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान के पिता। कवक विज्ञान के पिता के रूप में हम पियरे एंटोनियो माइकेली या पी ए माइकेली को जानते हैं। इन्होंने वाटरमेलन या तरबूज पर फंगल के स्पोर को देखा था और उसका अध्ययन किया था। और इसके अलावा इन्होंने नोवा प्लांटेरम जेनरा नामक बुक भी लिखी थी, इसलिए इनको हम फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ अमेरिकन माइकोलॉजी यानी अमेरिका में कवक विज्ञान के पिता के रूप में हम लेविस डेविड डी स्वेविंट्स को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, कवक विज्ञान का पिता भारत में हम ईजे बटलर को जानते हैं। ईजे बटलर ने भारत में फंजाई के ऊपर और पैथोलॉजी के ऊपर, प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर काफ़ी कार्य किया और इन्होंने फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स नामक बुक भी लिखी थी, इसलिए इनको हम फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी के रूप में हम मार्टिनस विलियम विजरनिक को हम जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में हम एंटोन डी बेरी को जानते हैं। एंटोन डी बेरी ने जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लगता है आलू में पछेती झुलसा रोग, इन्होंने उस पर काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया और इन्होंने ही प्रूव किया था कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा लगता है। इसके अलावा इन्होंने ब्लैक रस्ट फंजाई जो होते हैं उसके हेट्रोसियस नेचर को भी खोजा था, इसलिए इनको हम एंटोन डी बेरी को हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी यानी आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता हम जूलियस गॉटहेल्प कुन को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, भारत में पादप रोग विज्ञान और भारत में ही कवक विज्ञान के पिता के रूप में हम ईजे बटलर को जानते हैं। तो इनकी बुक भी याद रखना है, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में हम माइल्स जोसेफ बर्केली को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में डेनियल मैक एल्पाइन को जाना जाता है। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन हंगरी। हंगरी में पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में हम लिनहार्ट को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं ग्रेट ग्रांड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के जो बड़े पितामह हैं, मैथ्यू स्टिलेट को जानते हैं। इन्होंने बंट के ऊपर पेपर को प्रकाशित किया था। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी यानी जो फॉरेस्ट हैं, वन हैं, उसके पैथोलॉजिस्ट या रोग विज्ञान के रूप में हम रॉबर्ट हार्टिक को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के रूप में हम हैरी मार्शल वार्ड को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी यानी जो पौधों से जुड़े हुए पादप जीवाणु विज्ञान हैं, उसके पिता के रूप में हम इरविन फ्रेडरिक स्मिथ को जानते हैं। और भारत में फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी यानी भारत में जो पादप जीवाणु विज्ञान है उसके पिता के रूप में हम एम के पटेल को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ इपिडीमियोलॉजी। इपिडीमियोलॉजी के जनक के रूप में हम जे ई वंडर प्लैंक को जानते हैं। इसके अलावा वंडर प्लैंक ने
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन नेमेटोलॉजी यानी आधुनिक या अमेरिकन सूत्र कृमि विज्ञान के पिता के रूप में हम नाथन एगस्टस कॉब या एन ए कॉब शॉर्ट में बोलते हैं एन ए कॉब को हम जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के रूप में हम पाश्चर ई जेनर को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी के रूप में हम जोसेफ लिस्टर को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एविएशन, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एविएशन के रूप में हम अल्फ्रेड जिमरमैन को जानते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ सॉयल फ्यूमिगेशन, सॉयल फ्यूमिगेशन के जनक के रूप में हम बैरोन अर्नोड पॉल इंडमन थेनार्ड को जानते हैं, जिनको हम शॉर्ट में पॉल थेनार्ड के रूप में जानते हैं क्योंकि इनका नाम काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम शॉर्ट में पॉल थेनार्ड के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अगला है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति शास्त्र के पिता के रूप में हम थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। थियोफ्रेस्टस ने बुक भी लिखी थी द नेचर ऑफ प्लांट्स और रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ, तो इनके बुकों को भी नाम याद रखना है। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ लेबल बेनियोमाइसिटिस, लेबल बेनियोमाइसिटिस एक कवक की प्रजाति होती, कवक ही होते हैं। इनके पिता के रूप में रोनाल्ड थक्स्टर को जानते हैं, जो कि रोनाल्ड थक्स्टर एक अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट भी थे, कवक शास्त्री भी थे। इसके अलावा ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट यानी पादप रोग विज्ञानी भी थे। इसके अलावा ये बॉटनिस्ट वनस्पति शास्त्री भी थे और एंटमोलॉजिस्ट यानी कीट वैज्ञानिक भी थे। तो ये जो लोबल बेनियोमाइसिटीज होते हैं ये आर्थोपोड्स पर परजीवी के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर जो रोनाल्ड थक्स्टर हैं ये एंटमोलॉजिस्ट भी थे, पैथोलॉजिस्ट भी थे और माइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इसके बारे में इन्होंने काफ़ी इस पर विस्तृत अध्ययन किया, जो कि ये जो फंजाई होते हैं वो आर्थोपोड से संबंधित होते हैं, उस पर परजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ मॉडर्न मिक्सोमाइसिटीज, आधुनिक जो मिक्सोमाइसिटीज हैं, जो कि मिक्सोमाइसिटीज ये ट्रू फंजाई नहीं होते हैं, असत्य फंजाई होते हैं, तो उनके आधुनिक पिता के रूप में कॉन्स्टेंटाइन जोहन एलेक्सोपोलस को जाना जाता है। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ मॉडर्न लाइकेनोलॉजी यानी आधुनिक लाइकेन विज्ञान के पिता के रूप में वर्नोन अहमद जियोन को जाना जाता है। इन्होंने लाइकेन की सहजीविता पर कई बुकें लिखी थी। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी आर लीनियस ऑफ माइकोलॉजी के रूप में हम इलियास मैग्नस फ्राइस को जानते हैं। ये स्वीडन के माइकोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। इसके बाद अगले हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के पिता के रूप में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ये भी एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे अमेरिका में। और अगर हम भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसके बाद अगले हैं रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी यानी जो कवक विज्ञान है उसके पुनर्निर्माणकर्ता के फादर के रूप में जाने जाते हैं, लुइस रेने तलसाने। इन्होंने पेलियोमार्फी के खोजकर्ता और माइकोलॉजी के पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में 50 से अधिक पेपर को प्रकाशित किया था। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। कैसा था हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।